अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरान पाक में आया है इन 6 फलों का जिक्र, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से फल हैं। तो प्यारे दोस्तों इसके फ़ायदे भी हम आपको बताएंगे तो इस वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों फल अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। वैसे तो सभी फल अल्लाह ने पैदा किए हुए हैं, लेकिन हम आपको 6 ऐसे फल लेकर आए हैं इस वीडियो में जो आपको हम बताएंगे जो कुरान पाक और सुन्नत के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों पाक कुरान में हमें दुनिया भर के सभी लोगों के लिए जीने और मार्गदर्शन करने का तरीका सिखाया है। 1400 साल पहले बीत चुके, लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों सहित लोग कुरान के वजह तथ्यों से इनकार नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों को आखिरी पैगंबर साहब ने अपने अनुयायियों को भेज दिया था। वैज्ञानिक पाक कुरान शरीफ में अपने शोध में एक संदर्भ के रूप में अपने अध्ययन का दावा करने के लिए प्रमाणित साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में अद्भुत करते हैं और विभिन्न विभागों में कुरान पाक की अच्छी तरह से जानकारी देने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि खजूर को फलों का रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। हर कोई स्वास्थ्य के लिए तिथियों को महत्व को मानता है, साथ ही साथ कुरान में भी इसका जिक्र आया है। अंजीर बीज, दोस्तों अंजीर बीज रहित फल के रूप में भी जाना जाता है। अल्लाह ने पाक कुरान शरीफ में अंजीर और जैतून का जिक्र किया है, साथ ही अनार को जन्नत का एक फल कहा जाता है। कुरान शरीफ में कुछ किस्सों में अंगूर का जिक्र किया गया है। जैतून यह भी जारी फल के रूप में जाना जाता है, इसे सुन्नत फल कहा जाता है। इसी के साथ कुरान में कई बार केले का जिक्र किया गया है। तो ये सब जो फल है दोस्तों जिसके बारे में कुरान शरीफ में जिक्र हुआ है, तो बहुत ही अच्छे फल हैं जिससे आपको सेहतमंद अच्छी होगी, आपको हर बीमारी से शिफा होगी। अगर आपको कुछ होता है तो ये सब अनार आप खाएंगे तो बीमारी से शिफा होती है, क्योंकि जन्नती फल है, सभी लोग जानते हैं, आपको भी पता होगा। अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो में हम आपको बनाए हैं, तो इसको सुनिए देखिए। तो प्यारे दोस्तों ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।